नमस्कार, मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आपका livecities.in पर। ट्रेन में अगर आपने रिजर्वेशन कराया और आपकी ट्रेन मिस हो गई हो, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा। फिर ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि अब वो क्या करें। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे ही नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तब भी आप जर्नी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बोर्डिंग स्टेशन पर, यानी कि जिस स्टेशन से आपने अपना टिकट कराया था और जहाँ से आप चलने वाले थे, जिस स्टेशन से, उस बोर्डिंग स्टेशन पर वहाँ के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र को डुप्लीकेट टिकट इशू कराने के लिए एप्लीकेशन देना होगा। इसके साथ में आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगानी होगी। यह प्रोसेस आपको जर्नी शुरू होने के 24 घंटे पहले करना है। इंस्पेक्शन के बाद नॉमिनल चार्ज लेकर आपको टिकट इशू करा दी जाएगी। ऐसे में यदि आपको ओरिजिनल टिकट मिल जाता है तो आप डुप्लीकेट टिकट की प्रोसेसिंग फीस वापस लेने के लिए क्लेम कर सकते हैं। दो स्टेशन और तय टाइम लाइन खत्म होने के बाद TTE आपकी सीट RAC लिस्ट के किसी यात्री को अलॉट कर सकता है। ट्रेन मिस होने पर आप TDR फाइल कर सकते हैं। इससे आपको बेस फेयर का 50% तक अमाउंट रिफंड हो जाएगा, यानी कि आपको वापस मिल जाएगा। आपकी जर्नी 200 किलोमीटर तक की थी तो बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन छूटने के 3 घंटे के भीतर आपको टिकट कैंसिल करानी होगी। जर्नी अगर 201 से 500 किलोमीटर है तो 6 घंटे में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जर्नी अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा की है तो 12 घंटे में अप्लाई कर सकते हैं। livecities.in से रितेश शर्मा की रिपोर्ट। आप बने रहें livecities.in पर आगे की अपडेट्स के लिए। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें। नमस्कार।